झारखंड सरकार पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ पेयजल हेतु लाखों रुपए का आवंटन दिया जाता है, लेकिन आज भी लोग प्राकृतिक झरने का पानी पीने पर मजबूर हैं। साहेबगंज जिले के बोरना पहाड़ गांव में लगभग 150 परिवार हैं। प्रत्येक परिवार के लोग झरने का पानी पीने पर मजबूर हैं। विभागीय लापरवाही के कारण बोरना पहाड़ में पिछले 10 वर्षों से शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। अभी हम लोगों के पास अभी दो ही कुआं बचा हुआ है, तो दूंगा कुआं बचा हुआ है, उसमें भी जब बरसात का टाइम में ही उस कुआं में पानी रहता है। गांव से नीचे 4-5 किलोमीटर नीचे दूरी पर सर जमीन में जाकर के फिर दूसरे एरिया से फिर कुआं का पानी से ला करके हम लोग को पीना पड़ता है। अगर एक दिन अगर पानी नहीं लाते हैं तो हम लोग खाना बंद हो जाता है। पानी कौन कौन लाता है? पानी लड़की सब लाता है। आप भी लाते हैं? हम भी लाते हैं, तो कौन सी पिएगा? हम नहीं लाएगा तो कौन सी पिएगा? दिन भर में कितने बार जाते हैं पानी लाने? दिन ही है, हम लोग जाता है बोरे 2-3 बार, शाम बेला 2-3 बार। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि ये समस्या मेरे समुदाय की है, इसलिए मैं और मेरे समुदाय के लोग ये चाहते हैं कि 150 परिवार को ध्यान में रखते हुए 4 डीप बोरिंग चापाकल की व्यवस्था की जाए। इसलिए आप सभी वीडियो देखने वालों से मैं विनती करती हूँ कि साहेबगंज जिले के उपायुक्त श्री उमेश प्रसाद सिंह को मोबाइल नंबर 9431152021 पे फ़ोन करके दबाव बनाएं, ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द स्वच्छ पानी की व्यवस्था होने पाए। मैं शिखा कुमारी, पहाड़ी जिला साहेबगंज, झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।